क्षेत्र के एक प्राथमिक विद्यालय में बच्चों द्वारा काम कराए जाने का वीडियो वायरल होने के बाद डीएम ने मामले को बेहद गंभीरता से लिया और पूरे मामले पर कार्यवाही करने के कड़े दिशा निर्देश बीएसए को दिए, जिसके बाद बीएसए ने इस पूरे प्रकरण में जांच कर कार्रवाई की। किसनी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय चितायन में बच्चों द्वारा खाना बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर धमाल मचा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पूरे शिक्षा विभाग में हड़कंप भी मच गया, जिस पर रविवार को छुट्टी होने के बावजूद भी एबीएसए सर्वेश यादव स्कूल पहुंचे। उन्होंने मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कही है। मामला क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय चितायन का है। यहाँ की प्रधानाध्यापक नीतू शाह के 6 माह की चाइल्ड लीव पर चल रही है। इंचार्ज प्रधानाध्यापक पद पर प्रियंका लगाई गई ताकि एमडीएम व अन्य कार्यों में कोई परेशानी ना हो। विद्यालय में 3 रसोईया कमलेश वाथप, सुशीला राय व रेखा यादव एमडीएम के लिए लगाई गई हैं। इसके बावजूद भी शनिवार को स्कूली बच्चों का खाना बनाते हुए वीडियो वायरल हुआ था। इंचार्ज प्रधानाध्यापक प्रियंका ने बताया था कि 2 रसोईया कमलेश व सुशीला आई थी तथा रेखा शनिवार को छुट्टी पर थी। जब बच्चों से खाना बनवाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। वायरल वीडियो होने पर हड़कंप मचने पर रविवार को छुट्टी होने पर भी एबीएसए सर्वेश यादव विद्यालय पहुंचे। उन्होंने शिक्षिका प्रियंका, रसोईया कमलेश, सुशीला और बच्चों से पूछताछ की। बच्चों ने उन्हें बताया कि रसोईया के खाना छोड़कर चले जाने पर वह लोग खाना बनाने लगे थे। दोनों रसोईया तबीयत खराब होने की बात बताकर घर जाने का बहाना बनाने लगी। अब वो जो समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित हुआ है जी जी, बच्चों को खाना बनवाने के संबंध में उसकी जांच करने आए, जांच कर रहे हैं। किस तरह से जांच कर रहे हैं? बच्चों से पूछ रहे हैं, टीचर से, रसोईया से, आपों से और जो है रसोइयों से, सबसे पूछ रहे हैं। फिर सर क्या रिपोर्ट कहाँ देंगे सर आप? बीएसए महोदय को रिपोर्ट देंगे। तो किसके आदेश सर आप आए हैं? मतलब किसी ने आपको बताया है कि आप अखबार पढ़ के आए हैं? ना, पेपर में भी देखा है और बीएसए साहब से भी बात हुई, तो उन्होंने भी कहा था। कब सौंपेंगे सर जांच? जी जांच कब सौंपेंगे सर? आप देख लें, आज शाम तक कर लेंगे। अगर कोई सर मामला सर माना पाया जाता है सर उसका लापरवाही का, तो सर कोई कार्रवाई भी, अगर कोई दूसरी बात कार्रवाई होगी। शिक्षिका प्रियंका ने बताया कि जब उन्हें रसोइयों के बिना बताए जाने की जानकारी मिली थी, उन्होंने बच्चों के साथ खाना बनाया। वहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर जिला अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने मामले को गंभीरता से लिया है और इस मामले में डीएसपी विजय कुमार को कड़ी कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं, जिस पर बीएसए ने कार्रवाई करते हुए मीडिया को क्या कुछ बताया है, जरा आप ही सुनिए। ये वीडियो मैंने अभी देखा है कल, और अखबारों के माध्यम से भी इसकी जानकारी मिली है। आज मौके पर मैं गया था, कल खंड शिक्षा अधिकारी को भी वहाँ भेजा गया था जांच के लिए, और प्रथम दृष्टया मुझे ऐसा लगा कि वहाँ की जो शिक्षा मित्र हैं सुमन यादव, उनकी भी कुछ संलिप्तता इसमें पाई गई है। और जो बच्चे हैं, 3 बच्चे, बच्चों का बयान लिया गया, बच्चों ने ये बताया है कि वो टॉयलेट जा रहे थे किचन में, एक रसोईया उस दिन चूँकि छुट्टी पे थी और एक रसोईया संयोग से बाहर चली गई थी, तो उत्सुकतावश बच्चे किचन में घुस गए थे और बच्चों से किसी ने खाना बनाने के लिए नहीं कहा था। वहाँ 3 रसोईयाँ पहले से ही तैनात हैं और रसोइयों द्वारा ही खाना बनाया जाता है। इस पूरे मामले की जाँच हो रही है, जैसे ही रिपोर्ट हमको मिलती है जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, खंड शिक्षा अधिकारी से भी जवाब तलब किया जाएगा। प्रियंका जी, प्राथमिक विद्यालय चितायन। प्रियंका जी, कल खाना आपके स्कूल में जो बनाने का जो वीडियो वायरल हुआ है कि बच्चों से खाना बनवाया है, क्या मामला है? उस दिन का मामला, मैं जब यहाँ स्टडी कर रही थी, बच्चों को पढ़ा रही थी जी, टीचिंग कर रही थी, उसी दौरान हमें पता चला कि रसोईयां वहाँ पहुँच चुकी हैं रसोई में, तो मैं रसोई में गए वहाँ दौड़ के, मैंने कहा ये खाना वाना बनाना तैयार कर दो जी। तो कुछ बच्चों की आदत होती है, जैसे ही मैं बाहर निकली, मैं अकेली हूँ विद्यालय में, तो बच्चे मेरे पीछे ही चले गए 2-4। तो उन बच्चों ने जाके जब देखा कि उसमें खाना जो बन रहा था, उस सब्जी में काफी सारी मिट्टी सी मालूम पड़ रही थी, आलू में जी। कुछ खाना था जो, मैंने ये बोल दिया देख कर कि हमें इतना गंदा है, इसमें थोड़ा पानी डाल कमी से साफ करो अच्छे से जी जी। तो ये सब्जी को छोंक ही रही थी, पूरा कर दिया था प्रोसेस, बस वही आलू वैसे ही उसी कंडीशन में डालने वाली थी, तो मैंने इसी बात को इन्हें रोका। जब टोक दिया तो इस गुस्से में आके इन्होंने वो आलू को डालना छोड़ करके ये वहां से चुपचाप बिना बताए मेरे बगैर निकल गई वहां से।
एक ऑडियो भी वायरल हुआ है कि जो जो कमलेश हैं रसोईया, इन्होंने इसलिए चलेंगी छोड़ के, उसमें आपकी भी आवाज़ है कि वो लकी जी ने आलू धोए थे वो मतलब ऐसी थी, दलित थी, धो भी जाती थी, इसमें कैसे चाहिए? इसमें ये था जो मैंने बैक कॉल की, इनसे पूछना चाहा कि क्या हुआ, क्यों गई कमलेश रसोईया से? हाँ, फिर उन्होंने ये बोला बच्चों ने, मैं आके उसी टाइम बोला, मैंने जब दो बार ही बुलाया बच्चों से कि बुला के लाओ, तो बच्चों ने हमें ये बात बोली आके कि उन्होंने ये कहा कि वो उनकी बिटिया थी जिससे इन्हें छुड़वाया, जो भी छुआ है उन्होंने वो इस कास्ट की। किस कास्ट की? धोबी कुछ बताया, इसलिए। फिर आपने बात की तो क्या बताया उन्होंने? फिर मैंने यही बात पूछी, मैंने क्या हुआ, किसको फोन किया आपने? किसको फोन किया आपने? कमलेश जी को। हाँ, मैंने कहा आपने क्या बोला उनके बारे में कि ऐसे से बच्चे ने छुआ था वो इस कास्ट का, मुझे तो नहीं मालूम किस कास्ट का, पर बच्चा था कोई, तो बस इतनी बात हुई। नहीं, उन्होंने आपको क्या बताया, स्पष्ट रूप से क्या बताया, किस जात की थी, मतलब किस लिए? धोबी जात की। जिस बच्चे ने सब्जी या आलू खिसकाए या छुए थे वो धोबी कास्ट की थी, तो इसलिए इन्होंने मतलब छोड़ चली गई। मैंने ये पूछा इसीलिए छोड़ के चले गए थे कि हाँ इसीलिए। ये आपसे किसने कहा? ये कमलेश जी ने ही बोला, कमलेश रसोईया। अगर आपको जानना है मैनपुरी की छोटी बड़ी खबर का हाल, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।